अपनी पूरी त्वरा में बोले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सलीके के साथ आप सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि दो चार बातें राम कथा के माध्यम से आपकी और अपनी जिंदगी के लिए विमर्श के माध्यम से हम इस मंच से संप्रेषित कर सके। अब कथा चार दिन की है, आनंद किधर गए? हाँ, कथा चार दिन की है और चार दिन की कथा में आप समझो एक वेगावलोकन हो जाना चाहिए ताकि मतलब पूरा। तो आइए एक अलग या फिर वेगावलोकन का मतलब होता है द्रोण से देखना चीजों को, थोड़ा ऊपर से देखें। तो मैं कब किस कांड में घुसूं मैं कोई भरोसा नहीं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना और मैं कब अच्छा बोल जाऊंगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन एकदम बनाए रखना। आपके सुनने के तरीके के दम पर ही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। श्रोता बन के बैठना, श्रोता बन के बैठना। ध्यान रखें कि एक बात जिसको भारतीय तमाम सोसाइटी में सामूहिक चेतना में खलनायक मान लिया गया, गद्दार, घर का भेदी, गद्दार है कौन, इसका क्या नाम था उसका, विभीषण। बाप उस पर बात करेंगे गद्दार था कि नहीं था, उसको जगाने के लिए और हनुमान जी पहुंचते हैं, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो जागा हुआ नहीं माना जा सकता था। पूछा हनुमान जी ने परिचय, विभीषण है, कैसे रहते हो दांतों के बीच, अच्छा काम क्या करते हो, का दुनिया का सबसे अच्छा काम करते हो, का कौन सा काम करते हो, का मैं भगवान राम के नाम की मारा जाता हूं, का मैंने नहीं पूछा मैंने काम पूछा, का अरे हनुमान जी कैसी बात कर रहे हैं, इससे अच्छा काम क्या है, भगवान का भजन करने से अच्छा काम क्या है। का हनुमान जी ने कि अगर भोजन काम है तो भजन भी काम, लेकिन कोई ये कहे भाई साहब आप क्या करते हैं और आप कहे उत्तर में मैं दिन में भोजन करता हूं और रात को भोजन करता हूं यही मेरा काम है, ये कोई काम है? भोजन तुम्हारे शरीर की जरूरत है और भजन तुम्हारे आत्मा की जरूरत है। ध्यान रखना ये कथाएं किस लिए है, तिलथी के चौराहे पर जाना हो, मिर्जापुर जाना हो, विंध्याचल धाम जाना हो, आप कहां जाते हैं सबसे पहले, मैं बता रहा हूं आप कहां जाते हैं, आप सबसे पहले अपने कमरे के भीतर जाते हैं, उसमें कहीं आईना लगा होता है, ना लगा हो तो आईना उठाते हैं और उठा करके उसके बाद देखते हैं पांच कोना का मुंह बनाते हैं, क्या चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि ये चेहरा तिलथी के चौराहे पर तो दिखाने लायक है कि नहीं है, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं इधर वाली मूछ बड़ी और इधर वाली छोटी तो नहीं है, मिर्जापुर जाने लायक हूं कि नहीं हूं, चेहरा दिखाने लायक हूं कि नहीं हो, सुनो मिर्जापुर के चौराहे पर चेहरा दिखाने लायक हो कि नहीं हो, ये तुम्हारे कमरे के अंदर का आईना बताता है और परमात्मा के दरबार में चेहरा दिखाने लायक हो कि नहीं हो ये रामकथा है, ये आपकी जिंदगी का आईना है, ध्यान से सुनना। हनुमान आईना दिखा रहे हैं विभीषण, भजन ये तो तेरा फर्ज है, तेरी जरूरत है, तेरा अपना पुण्य है। कोई कहे मैं बहुत पैसा कमाता हूं, मेरे किस काम का, आपने पैसा कमाया खर्चा आप करोगे, लग्जरी जीवन आपका बीतेगा। और कोई कहे मैंने पुण्य कमाया, वो भी मेरे किस काम का, तुम्हारा भजन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी जन्नत, तुम्हारा स्वर्ग,
और सुनो, लगे हाथ जब बात स्वर्ग किया गया तो एक और बात कह दो और इसको संभाल लेना, और अगर संभाल लिया तो जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। सत्संग स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, सत्संग स्वर्ग को जमीन पर लाने के लिए। कमजोर आदमी परमात्मा के दरबारों में जाकर के अपने लिए स्वर्ग की मांग करता है, हमको स्वर्ग भेजो, तुम्हारे नाम की 10 करोड़ माला जपा है, चारों धाम कर चुका हूं, हमको स्वर्ग भेजो, रजिस्टर नाम बना लो हमारा वहां पर। ये कमजोर आदमी की मांग है। मजबूत आदमी कहता है कि अगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तुम्हारी औलादें हैं और इस पृथ्वी की विरासत को अगर तुमने हमारे हाथ में सौंपा है तो हमको स्वर्ग जाना नहीं है, अपनी जमीन पर स्वर्ग को खींच करके लाना है। मानसिकता का नाम है स्वर्ग सर। जीने की तमीज पैदा हो जाए तो जीवन स्वर्ग है, जीने की तमीज ना हो तो जीवन नर्क है। दिल ठीक है, इस दिल पर मंच पर बैठ करके अखिलेश शांडिल जमराज को ललकारने का हौसला दिखा रहा है कि अगर तेरी हिम्मत हो हमको नरक भेज, हम जाने के लिए तैयार है। अखिलेश मणि शांडिल, जमराज तुम्हारे नरक में आने के लिए तैयार है, हम चलेंगे, संचालक जी भी चलेंगे, मान जी को भी ले चलेंगे, शास्त्री भी चलेंगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे, सबको नरक लेकर के मैं चलूंगा, हैसियत है तो बुरा माई द्वारा भी चलेगा। आपका नाम रसिया, हाँ रसिया जी भी चलेंगे, पूरा सिस्टम लेकर के। मगर अगर तुमने अपने नरक में गलती से हमको बुला लिया, ये तिलकी की पाकीजा जमीन से हमारी दावेदारी है, अगर हम आएंगे, हमारे संचालक आएंगे, हमारे वाचक दायक आएंगे, हमारी जनता आएगी, हम वहीं पर व्यास गति लगाएंगे और प्रवचन शुरू करेंगे, हम तेरे नरक को स्वर्ग में बदल करके दिखाएंगे। क्या रखना, जब जीवन होश में हो भटनानंदी जीवन हो, जीवन स्वर्ग है, और जब बेमतलब की कला हो जिंदगी में, गुप्त हो, जीने का शऊर न हो, तो जीवन नरक है। विभीषण, मैंने तुमसे काम पूछा, काम क्या कहता है? ध्यान रखना, विभीषण ही क्लू साबित हुआ रावण के मारे जाने का। लेकिन मेरा रुको, एक जगह रुको, थोड़ा कांड चेंज कर, ये नौबत आई क्या? ये नौबत क्यों आई? हनुमान को उतना उपद्रव में पड़ना पड़ा, समंदर का उल्लंघन करना पड़ा, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई कि मतलब सीता जी का हरण हुआ, ये नौबत क्यों आई कि राम जी का अवतार हुआ और पीछे चले जाओ, आया क्यों मामला ऐसा? तो कहा कि बहुत भयंकर भ्रष्टाचार पृथ्वी पर व्याप्त हो गया, कभी ना अवतार हुआ हो। मैं क्लू देता हूं, कहानी क्या सुना, तिरछी का कौन सा बंदा है जो राम कथा नहीं जानता, ऐसा कोई है क्या? अरे हिंदुस्तान के बंदे बंदे को राम की कथा मालूम, अतिथि वाले यहां तो ऐसी रवायत नहीं है, मैं हकीकत जानता हूं, यहां जनता में आकर के ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो रामायण की चौपाइयां हम जैसे लोगों को पढ़ा सकते हैं, ये गजब का इलाका, गजब के अध्येता लोग है, साहित्य की जमीन है, तो कथा में क्या सुनाऊंगा, कहानी कहानी तो सेम वही है, कहानी नहीं नहीं कर सकते, दृष्टांत कभी नया नहीं होता है, दृष्टांत नया होता है, निष्कर्ष नए होते हैं, किसी घटना को किस जगह से देखा जा रहा है, बुनियादी सवाल ये है। हो सकता है किसी को ऐसे झूठे देख करके आप समझे कि सजदे में झुका, लेकिन दुष्यंत ने कहा कि मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुक कर भूख से टेढ़ा हुआ होगा, हो सकता है कि भूख से व्याकुल होकर के कोई पेट गदा करके नीचे गिरा हो और आप समझे बात पुजारी है,
ध्यान रखना बड़ी बारीकी के साथ पूरी पूरी देखी, सांस को सुचिंतित पूरी पूरी देखी, अपने सारे आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह हटा करके तब चीजों को देखना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कथा सुनाने के लिए नहीं है, कथा सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए है। आप कहेंगे हम तो जागे हुए हैं, तुलसी कहेंगे झूठ बात, कोई नहीं जागा, सब सोए। मोहनिसा सब सोवनिहारा अतिकियो सर्पण अनेको प्रकारा देखियो सर्पण अनेक प्रकार, सब सपने में खोए हुए। रोड पर चलने वाला रोड पर नहीं है, कहीं और। मोटरसाइकिल पर चलने वाला मोटरसाइकिल पर नहीं है, कहीं और। वो दिलचस्प जुमले सुनाने वाले लोग एक बात कहा करते हैं, मोटरसाइकिल पर चलने वाले नौजवानों को देखिएगा, चल रहे मोटरसाइकिल पर अगर दब हाँ हेलो, तब तक ट्रक आया कहा जब और लेकर के चला गया। आप कहाँ मोटरसाइकिल पर, आप तो कहीं और खोए हुए हो। बारीकी के साथ देखना, जगाने के लिए कथा होती है, सुनाने के लिए नहीं होती है। कहा मतलब तो एक बात नोट कर लो, कट बात है, सोचोगे तो जेहन में बात जाकर के दिल में उतरेगी। इसी कथा से बहकाया जा सकता है, इसी कथा से बरगलाया जा सकता है, राम का नाम लेकर के भटकाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, और आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। और केवल नाम का मसला नहीं है, पैगंबर साहब का नाम लेकर के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, जीसस का नाम लेकर के ईसाइयों को आत्म को बेवकूफ बनाया जा सकता है। हजरत मूसा, इनको मोसेस कहा गया, उनका नाम लेकर के यहूदियों को बहकाया जा सकता है। बारीकी के साथ देखना आप, उसी परमात्मा का नाम लेकर के, यहाँ कहावत है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमारे देहातों में एक कहावत कही जाती है, परना नाम कुकुर के पाल, परना नाम कुकुर के पाले खींच खांच के ले गए खाल। राम का नाम अच्छा है कि बुरा, बोल तो दो, अच्छा है। ये प्रसिद्ध जुमला है, सब जानते हैं, राम का नाम सत्य भी है, लेकिन जब लाश के साथ जुड़ गया तो कोई दुल्हा बन के जा रहा, उसी समय कह दीजिए राम नाम सत्य है, उसका विवाह बाद में होगा, अपना गौना पहले कर दे। इसलिए बड़ी बारीकी के साथ देखना आप, वही राम का नाम लेकर के आप कहें कैसे कोई बहका सकता है, हम बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सर आप पढ़े लिखे होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, लेकिन कितने बुद्धिमान नहीं होंगे जितने हनुमान। बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप ज्ञानी होंगे, ज्ञानिना मदगम्यम नहीं होंगे, आप ताकतवर होंगे लेकिन अतुलित बलधामन नहीं होंगे। और कल्पना करिए, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान, इतना परमान, इतना महान और हनुमान, और जब संजीवनी बूटी लाने के लिए चल दिए, जब जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, का हुआ क्या है, का मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर गया डीप कोमा में, लखन का दवाई का देखिए हमारे मतलब लंका में दवा खाना तो है, दवाई लाभ है, जाओ तुम लेकर के आओ, का मिलेगी कहां, का 12 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं से जाओ, एक पेड़ है जो ऑक्सीजन देता रहता, ले गया। हनुमान जी चले लाने के लिए, राम और टेंशन कि एक बंदा जो उसमें सबसे खतरनाक था, जैसे तैसे तो कोमा में गया और मरने ही वाला है, और ये उपद्रवी बंदा जो लंका को जला गया था, खुद तैयार हो गया, एक आगे नहीं रोको इसको, कैसे रोके, का बल लगाओ, नहीं रुकेगा, अतुलित बल धामम है, का गियर चेंज करो, टॉप पे ले जाओ, का मनोजवन मारुत तुल्य वेगम, इंडिया का रहने वाला है, घूस दे दो रुक जाएगा, कहा ना जितेंद्रिया, कहा बुद्धि लगाओ, कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, सारा ज्ञान इस्तेमाल करो, का फिर
ज्ञानी नाम दुर्गम। रावण ने कहा एक बात बताओ, किसी चीज से मोहब्बत करता है श्रद्धालु है, गजब का श्रद्धालु है, लेकिन पूछ क्यों रहे का श्रद्धा का फायदा उठाया जा सकता, श्रद्धा का फायदा उठाया जा सकता है। कहा कि एक चीज में बड़ी श्रद्धा है, कहा क्या, कथा बहुत सुनता है। रामचरित सुनी बेकोर सिया, कथा मन गया, राम की कथा कह करके जाओ बता दे, और रास्ते में जाकर के बैठ गया कानूनी और ऐसी कथा कहना शुरू किया जिससे आदमी चमत्कृत हो गया। कहां से आ रहे हो जानता हूं, कहां जा रहे हो जानता हूं, कहो तो पहले से लिख के रख लू। का मतलब कार में देख रहा हूं, फिर अपना आया हो तो महारन रावण राम ही, मैं जंग देख रहा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। बार राम ने मानस जब रावण ने अंगद से कहा था, हे मुझे जानते नहीं हूं, कमाल का आदमी हूं, गर्दन काट देता हूं, गिर जाती है दोबारा आगे लग जाती है, काट दो गर्दन गिरी जमीन। अंगद ने कहा ताकत है, का मतलब कहे मूर्ख बनाने की कोशिश है, का मतलब इंद्र जाल कह कहई नबीरा, मैं तेरी जादूगरी से मदारी गिरी से भ्रमित नहीं होगा। वाह ये देश गजब का था, है कैसा मैं कैसे कहूं, सनातन धर्म की चेतना को अपने मन में अपने हृदय में भरने के बजाय हम शिकारियों के शिकार होते गए, कैसे कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि मान लिया, जिस सनातन धर्म की ध्वजा को अपस्तंभ ने उठाया, कौभायन ने उठाया, गौतम ने उठाया, जिस सनातन धर्म ने जागरण को देखा, कार्वी वाचक कवि को देखा, जिस सनातन धर्म ने पल्लवाचार्य को देखा, शंकराचार्य को देखा, निम्बार्काचार्य को देखा, रामानंदाचार्य को देखा, रामानुजाचार्य को देखा, मध्वाचार्य को देखा, रामकृष्ण परमहंस को देखा, रमण महर्षि को देखा, जय कृष्णमूर्ति को देखा, गजब गजब के विद्वानों की परंपरा को, विवेकानंद को, जिस सनातन धर्म की परंपरा ने देखा, आज उसी सनातन धर्म का प्रतिनिधि टीवी पर बैठा हुआ कोई मदारी बना हुआ है। इंद्र काल कहूं कहई नबीरा, ध्यान रखना ये देश कुछ अजीब होता जा रहा है, चमत्कार को नमस्कार। हम इतने कमजोर हो गए हैं, कितने कमजोर, तुम कितने कमजोर हो गए हो कहो तो बता दो, बारिश आ रही, भाग जाओगे, हम भी नहीं भागे, अजब एक ज्यादा आ जाए, हाँ हम कई बार आ जाए वो अलग बात, वरना मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान पूर्वक देखना था, इतने कमजोर है आप लोग, इतने कमजोर है कहो तो बता दो, बोलो खास कर आप लोग बता दो, करना मत बता दे रहा, हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है आदमी दादा जी, कि अगर 1 बजे रात को एक काम कर लो, कागज सिंदूर अच्छा लवन लपेट के और धागे में बांध करके धीरे से किसी के दरवाजे पर या रखे खाना, सवेरे के टाइम में उठने के बाद 2 घरों में बवाल सुन, इतना मूर्ख, जब इतना मूर्ख हो तो किसी को मूर्ख बना करके अपना धंधा चलाना है तो फायदा उठेंगे, ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, हमको कितने मूर्ख है, सुनो, आत्मावलोकन करना और नौजवान पीढ़ी के लोगों ध्यान पूर्वक सुनना, आप हम ऐसे दौर में चल रहे हैं कि जहां पर बुराई को ही अच्छाई माना जाता है और अच्छाई को बुराई माना जाता है, जहां पर तमीजी को तमीज माना जाता है और तमीज को ही बदतमीजी कहा जाता है,
जहां मूर्खता को भक्ति कहा जाता है और भक्ति को मूर्खता कहा जाता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, इसलिए एक एग्जाम्पल और कहता हूँ, पेमेंट ट्रैक पर आता हूँ। आनंद बात ठीक जा रही है, ध्यान से सुनना, साउंड ठीक है? हाँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कौवे के बच्चे ने महिलाओं को, मैंने बताया तो आप बड़ा खुश हुए, अपना भी सुन लो। कौवे के बच्चे ने, भैया बात खत्म हो गई, अरे अभी नहीं, सुनो तुमको मजा आया, एकदम पक्का है, बारीकी के साथ देखना आप और ध्यान पूर्वक सुनना। कौवे के बच्चे ने अपने पापा कौवे से कहा, कौवा पापा, कौवा पापा, कहा बोलो बेटा, कहा हमको मांस खाना है, कहीं कौन सी नई बात, खिला दे, नहीं स्पेशल मांस, कहा स्पेशल मांस वो क्या होता है, कहा आज हमको आदमी का मांस खाने को मन कर रहा है, कहा अब आदमी का मांस कहां से लाओ, मैं खाऊं, बच्चा जीत कर लिया, कौवा बच्चा कभी खिला रहा। और फिर पापा कौवा कहीं गया और मांस के दो टुकड़े उठा रहा है, दो टुकड़े, कहा लो खाओ। पहले टुकड़े पर बच्चे ने चोंच मारा, फिर चोंच हटाया और बाप पर गुर्राया, बेवकूफ समझते हो, मुझको बच्चा समझते हो, बच्चे पहला सवाल नहीं करते, मुझको बच्चा समझते हो, कहा क्या हुआ, कहीं आदमी का मांस है, मुझे पता नहीं है, तो किस चीज का है, कहा ये गाय का मांस है, अच्छा दूसरा खा, दूसरा खा, दूसरे पर चोंच मारा, कहें ये भी आदमी का नहीं है, कहा ये किसका है, सुअर का है, हमको आदमी का चाहिए, कहा बेटा ये उसी का इंतजाम है, का मतलब कहा रात को 1 बजे ये गाय वाला मांस ले जाके किसी मंदिर में गिरा दे, ये सुअर वाला मांस किसी मस्जिद में गिरा दे, आदमी इतना पागल है कि सवेरे उठते ही एक दूसरे के पेट में इतना चाटू भोंकेगा कि हमारे तुम्हारे कौलों के पूरी गांव के कई दिन तक खाने का इंतजाम हो जाएगा। हम इतने कमजोर है, कोई दिल्ली में हुआ हुआ करता है, हम भी हुआ हुआ हुआ, कोई लखनऊ में हुआ हुआ करता है, हम भी हुआ हुआ हुआ, कोई ऐसी दाढ़ी वाला कहता है हमारा धर्म खतरे में है तो उसके वाले हुआ हुआ हुआ, कोई तिलक वाला कहता है हमारा धर्म खतरे में है तो उसके लिए हुआ हुआ हुआ। धर्म नहीं खतरे में है, उन सबों का धंधा खतरे में है, उन सबों की पूजा खतरे में है, ध्यान रखना, जहरीला बना दिया गया इस समाज को, बारीकी के साथ देखो आप। इसलिए चमत्कार को, नमस्कार वाली प्रवृत्ति को छोड़ना बेहद जरूरी है, वो धर्म नहीं है। हम लोग बेहद बेहद कमजोर हो गए, अपराध के प्रति हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ गया, क्या कहा जाए, तो बारीकी के साथ देखना आप। ये नौबत आई क्यों कि हनुमान को इतनी मेहनत का दिन पूरे, सीता जी का हरण हुआ, राम का अवतार हुआ, का इसलिए कि बदतमीज बढ़ गए, का बदतमीजों के बढ़ने का लक्षण क्या है, का लक्षण ये है कि जब चीजों का डिविएशन हो जाए, यानी जिसको यहाँ होना चाहिए वो यहाँ चला जाए और जिसको यहाँ होना चाहिए वो यहाँ चला जाए, का मतलब कहा कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे, तो समझ लेना कि बदतमीजी बढ़ गई है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हत्या, आप समझो हमारे जो बच्चे गेम खेलते हैं पबजी, उस पबजी के माध्यम से अत्याधुनिक हथियारों का उनको परिचय मिल रहा है और वो खेल हिंसा का खेल, और उसके माध्यम से उनका हिंसक माइंड तैयार हो रहा है। अब किसी को गोली लग जाना, किसी को शूट कर देना बड़ा रोमांचित करता है, वह अपराध नहीं लगता, क्योंकि अब पहली बार इतिहास में ऐसा वक्त आया है कि हमारे और आपके बच्चे गोली चलने को सिनेमा में नहीं देखेंगे, टीवी के पर्दे पर देखेंगे और वही हिंसा दिमाग में भरेंगे। ये तो जनरल बात है, ये एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। मैं छोटा था जिस समय, मुझे खूब ठीक से याद है, तो गांव में नाच पार्टियां आती थी, तो नाच पार्टियां अगर हम लोग छोटे बच्चे देखने जाते थे तो छुप छुपा
डर डर जाते थे कि कहीं पापा जान न जाए। सोचो आप, और अब ऐसी हालत हो गई है कि सबसे गंदे किस्म के गाने पर पूरा परिवार मांगलिक कार्यक्रम में एक साथ लेडी जेंट्स सब मिलकर के नाच रहे हैं और उस गाने में देवरा का नेचर कैसा है बताया जा रहा है। ये हालत एक्सेप्टेंस, हमने बदतमीजी को कबूल कर लिया है, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। सुनो ध्यानपूर्वक, ये बहुत खतरनाक लक्षण है। इसका मतलब हम आत्मघाती हो चुके हैं। एक और बात कहता हूं मैं पास तथा मंत्र से बात कह दिया करता हूं कि मेरे व्याख्यान को सुनने आना तो कृपा करके सफाई बन के मत आना, बसपाई बन के मत आना, भाजपाई बन के मत आना। ये सारी चीजें वही उतार देना जहां अपना जूता उतार दो, क्योंकि मेरे लिए उन चीजों की अहमियत आपके जूते से ज्यादा है। और मैं कब किस पर भी जाना कोई भरोसा नहीं है, लेकिन सुनो एक विडंबना, सुनो एक विडंबना, मैं घोषणा कर रहा हूं कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन अफसोस होता है, एक लड़की गाना गाती बेरोजगार बानी, हमके रोजगार चाहिए, पुलिस पहुंच जाती है और एक व्यक्ति जो गाना गाता है वह लहना उठा दे रिमोट से वो मंत्री बन जाता है। अति भ्रष्टाचार संसारा धर्म सुनिए नहीं काना, सो बहु विदित्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। गजब का माहौल बन गया, कहा लफंगे ताकतवर हो, ताकतवर। और कमाल की बात यह है कि सुनो मेरी बातें, मैं विमर्श के लिए आमंत्रित करता हूं, मैं कोई पारंपरिक अर्थों में धर्मगुरु नहीं हूं कि जो मैं बोल दूं वो ईश्वर की खींची लकीर हो गई। मेरी बातों को सोचना, मैं कोई अंतिम सत्य बोलने नहीं आया हूं। आपकी वैचारिकी को जो छीन लिया गया है मैं उसको स्टार्ट करने आया हूं। जिस प्रकार मदारी सांपों को पकड़ने के बाद पहला काम क्या करता है, उसकी विष ग्रंथि को निकाल देता है। अब वो सांप उसके इशारे, उसी प्रकार आज के दौर के रहनुमा अपने अनुयायियों की चिंतन ग्रंथि को निकाल देते हैं, फिर वो उनके इशारे को नाचने लगता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है उसी चक्कर में, उसके मुंह से वो ज़ॉम्बी बन जाता है, टाइप ऑफ रोबोटिक लाइफ इन द होल वर्ल्ड, इस टाइप का अधिक ध्यान रखना आप। मैं चाहता हूं कि मैं स्टार्टर बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं ट्रिगर कर जाऊं आपसे उसी जगह पर, क्योंकि राहत इंदौरी का एक शेर है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलता खुदा चलाता है, और कुछ लोग पांव नहीं जेहन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे इधर रहनुमा चलाता है। तो बारीकी के साथ देखना आप, एक खास बात कहने जा रहा हूं, बात चुप भी सकती है। मारने कौन आए राक्षसों को, देवता लोग विभिन्न रूपों में नाश करने के लिए राक्षसों का कौन लोग आए, रुद्र दे हैं, तजिनी हैं, बस हर दे भे हनुमान, शंकर हनुमान बने आए, लक्ष्मण कौन बना, शेषनाग, शेषनाग ब्रह्मा जी भरत बने। आप लोग कहानी मुझसे ज्यादा जानते हो। मारने उन राक्षसों को कौन लोग आए, देवता लोग, और उन राक्षसों को उतना ऊंचा उठाया किसने था, देवता लोग। ध्यान से सुनना, रावण को रावण जितना ताकतवर किसने बनाया था, देवता लोग। राक्षसों को वरदान, वरदान माने पावर, ताकत शक्ति किसने दिया, देवता लोग। बेहूदा किसी का वरदान रावण नाम रहा है, हमको वरदान दे दो, क्या चाहिए, हम काहू
के मरही न मारे। इतना खराब बता सीधे आप सुना दिए दिमाग खराब है नहीं मिलेगा नहीं ये मस्त हुए मस्त हुए मस्त हुए। अब वरदान पाकर के जब लफंगागिरी शुरू किया तब आपने जाना कि माफिया है। सत्ताएं खड़ी करती हैं चीजों को, नोट कर लेना। हम काहू के भस्मासुर को वरदान किसने दिया? शंकर जी। अब वरदान पाने के बाद दौड़ाया किसको? तो जब वरदान दे दिया बिना सोचे समझे तो दौड़ा रहा है तो चाय चाय क्यों कर रहा? पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए, दिमाग क्या लगाना पड़ेगा फिर मतलब विष्णु को पहचानना पड़ा। उस राक्षस के चक्कर में विष्णु भगवान को डांसर बन के नाचना था। यानी एक बार आपने माफिया पैदा किया तो नचनी का नाच आपको नचा देगा। ध्यान रखना आप, मैं अक्सर नटों से कहानी कहा करता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है कि वो अपने गधे को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार विद्वान था वो। तुर्की में हुआ था 14वीं शताब्दी के आसपास। तो अपने अपने गधे को लेकर के वो सोचा कि सेहराओं में घुमाया है, गुलशन में घुमाया है, गुलिस्तानों में घुमाया है, छत पे नहीं घुमाया, इसको जरा छत पे टहला दे। तो छत पे लेके गया। अब छत पे लेके गया, लगा टहलाने, 10 मिनट टहलाने के बाद सोचा कि अब उतरे। तो गधे से कहा कि चल, अब गधा टस से मस ले, तो और दूर का झटका दिया, अबे चल, अब उतरने का नाम है न ले, और तेज खींचा, अबे चल। अचानक गधा हुआ उल्टा, हमारा दुलत्ती मुल्ला के सीने पर। अब तड़ से जब दोनों लात लगी, मुल्ला चला गया छत के नीचे, गधा रह गया ऊपर, ऐसे गिरा। तो मुल्ला के चेले जानते थे कि हमारे उस्ताद हर घटना से कुछ कुछ सीखते हैं, तो भाग के सब आए। गुरुदेव उस्ताद कहां शागिर्दों बोलो, कहा इस घटना से भी आपने कुछ सीखा? और उधर गधा जो था वो चारों अपने खूनों से छत को खोद रहा था। कुछ देर में छत वाले के नीचे आए, कहा गुरुदेव आपने कुछ सीखा? कहा हां दो तीन बातें तो सीखा। कहा क्या क्या सीखा? कहा पहला ये सीखा कि गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा ये सीखा कि जो पहुंचाएगा पहली दुलत्ती वही खाओ। अब तीसरा ये सीखा कि वो गधा है, ऊंचाई को ऊंचा रहने नहीं देगा, ले दे के नीचे आ जाएगा। गधे का क्या भरोसा? ध्यान रखना आप, गलतियां हुई थी सिस्टम से और नतीजा ये हुआ कि अपने अपने काल में कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई हिरण्याक्ष, कोई हिरण्यकश्यप, इसी प्रकार के रूल झूल पावर सेंटर्स को प्रभावित करके पावर लेकर के और पूरे ब्रह्मांड में उपद्रव मचा दिया। कहानी सबको मालूम है, काम फंस गया और अंत भगवान को अवतार लेना पड़ा। ध्यान से सुनना आप, अवतार लेना पड़ा। मैं कह रहा हूं ना, मैं भेगा अवलोकन करा रहा हूं आपको, केवल ड्रोन कैमरे से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। माता जी घरे? अच्छा हाँ, हमारी कथा में बीच में मत जाना, नहीं तो कुत्ता काट लेगा रास्ते में। और आजकल कोरोना का वैक्सीन मिल रहा है लेकिन रेबीज वाला खत्म हो गया है, नहीं मिल रहा है। आप कई बार मतलब ये कुकुर होते हैं ना, बहुत वारंटी का काम करते हैं कथा वथा में। बड़ी पुरानी बात है कि एक बंदा कथा सुनने नहीं जाता था, तो घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया, बीबी ने जाओ आज सुनने जाओ। वो जाकर के बैठ गया, मन नहीं लगता था, पोल का सहारा लेके बैठा, सो गया। और सो गया तो उसका मुहवा खुल गया, वही एक कुकुर घूम रहा। वो 5-6 राउंड लिया, 7वें राउंड में श्री गोविंदाय नमो नमः, 2 बजे रात को महोदय की नींद खुली। घर पहुंचे तो बीबी ने पूछा कथा कैसी लगी? कहा कथवा भी ठीक है थी, चरणामृत था।
बात गलत ढंग से सुनी होगी तो मीठा टाइम मुक्त यहाँ से मिलेगा। इसलिए आप बड़े कंसंट्रेशन के साथ कथा की ओर रहना चाहिए। ध्यान से देखना, आप राम का अवतार हुआ और राम के जीवन में मैं अक्सर कहता हूं अपने श्रोताओं से, बेटियों बहनों माताओं, अपने जिंदगी के सारे दुखों का रजिस्टर बना लेना और जरा सीता के दुखों से बैठ करके मिलाना, तुम्हारे दुख रूई के फाहे की तरह हो जाएंगे।